बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए चावल से कटलेट बनाने की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटलेट बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.5 कटोरी उबले हुए चावल, 1 छोटी शिमला मिर्च, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 प्याज, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ आलू, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1 मैंने गाजर ली थी, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए चावल। आलू जो मैंने ग्रेट किया था, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, उसमें डाल देंगे अदरक, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच हरा धनिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच। अगर आपको लगे कि इसकी बाइंडिंग ठीक तरह नहीं हो रही है तो इसके अंदर 1-2 बूंद आप पानी का डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको जिस भी शेप के आप कटलेट बनाना चाहते हैं वो शेप दे दें। इस तरह हाथों से मसल लेंगे और फिर इसके कटलेट बना लेंगे। मैं गोल कटलेट बना रही हूँ, आप जिस भी शेप के चाहें बना सकते हैं। ये देखिए हमारे कटलेट बनकर तैयार हैं। इसी तरह से हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इनको गोल शेप दे दिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। मैंने गरम पहले ही कर लिया था और तेल हमारा गरम है, इसमें हम डाल देंगे कटलेट। तेल को आप बहुत ज़्यादा गरम ना करें कि हमारे कटलेट जाते ही जल जाएं। तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए। जो हमने वेजीज डाली हैं वो भी अंदर तक पक जाएं। 2 से 3 मिनट तक हम एक तरफ से इसको फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इनको टर्न कर देंगे। इसे फ्राई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक तरफ से टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। कटलेट दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। कटलेट हमारे बनकर तैयार हैं। इस कटलेट को आप कभी भी बना के खा सकते हैं।
और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेजीज भी हैं और आप अपनी पसंद की बहुत सारी वेजीज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।